एसएनबी बैंक के एटीएम मशीन के नई अपडेट में एसएनबी बैंक के अपने अकाउंट में या एसएनबी क्विक पे के अपने अकाउंट में पैसा कैसे जमा करें। सबसे पहले आप एटीएम मशीन में अपने एटीएम कार्ड को इसी तरह इंसर्ट कर देंगे। अपने एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन के अंदर इंसर्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप अपने एटीएम कार्ड का पिन इस कीपैड के जरिए इंटर कर देंगे इसी तरह। इसके बाद प्रेस हेयर के ऊपर क्लिक कर देंगे। प्रेस हेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद कैश डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद कैश डिपॉजिट टू योर ऑन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में आप जितना भी रियाल जमा करना चाहते हैं उतना रियाल इसी तरह आराम से रख देंगे। आप कम से कम 50 रियाल तक जमा कर सकें। बॉक्स के अंदर रियाल रखने के बाद आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद आप टोटल कितना रियाल जमा किए हैं बॉक्स के अंदर यहाँ पर शो होगा डिस्प्ले पे। इसके बाद नीचे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहां से स्टडिंग एक्सपेंसेस से या फिर ट्रांसफ़र टू फैमिली और फ्रेंड्स को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी आप इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर देंगे इसी तरह। इसके बाद नीचे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद अगर आपको रिसिप्ट नहीं चाहिए तो नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आपको रिसिप्ट चाहिए तो नीचे ऑल राइट टू कलेक्ट हैं ये रिसिप्ट एंड एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप अपने एटीएम कार्ड को ले लेंगे। इसके बाद अगर एटीएम मशीन के अंदर रिसिप्ट है तो यहां से आपको रिसिप्ट भी मिल जाएगी।